वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग गाइस। दिस इज मी शरद पारिक लेकर के आ गया हूँ, जैसा कि आपको पता है आज के टॉपिक पे। तो गाइस, मुझे आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि देश में जिस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना कोरोना के, तो मुझे लगा कि कोई ब्लॉगर इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को इस बीमारी से बचाना और अवेयर करना यार। क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस तो यार लास्ट ईयर भी नहीं थे, और हम लास्ट ईयर कितने ज़्यादा अवेयर थे कि हम कहीं पर भी जा रहे थे तो अपने हाथ धो रहे थे, घर से गेट क्रॉस करते थे उसमें भी आकर के हाथों को धोते थे, इतने अवेयर थे। और हम इतने लापरवाह कैसे होते जा रहे हैं यार। पहले तो घर में कहीं बाहर चले गए, गली से बाहर ही निकल गए, तो उसके अंदर ही आप आकर नहाते थे कहीं कोरोना ना हो जाए, और आज वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। अभी जैसे लास्ट कुछ दिनों से आप देख रहे हो केसेस, एक दिन में 1.5 लाख प्लस केसेस आना कोई कम बात नहीं है किसी भी बीमारी को लेकर के एक दिन में। तो गाइस, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले आप अवेयर थे ना लास्ट ईयर 2020 में जब कोरोना आया था, और गाइस मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यार जिस तरीके से आप लोग मतलब मैं पुरानी बातें याद कर रहा हूँ ना 2020 के, इतने अवेयर थे कि केसेस को एकदम से कोरोना को ऐसा खिंचा के मुक्का दिया था आप लोगों ने कि वो दूर 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 बहुत दूर जाके गिर गया था, और आज वापस से वो लौट आया। क्यों? क्योंकि हम लोग लापरवाह निकले। हम लोग तो सब्जियों को भी सैनिटाइज करते थे भाई साहब, घर में आते थे उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, डिटॉल के पानी में धो रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, डिटॉल के पानी से नहा रहे हैं, घर के बाहर सैनिटाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ गंदी ना रहे, कोई बाहर से आ रहा है तो उसको पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर एकदम से क्या लापरवाही आई कि आज केसेस 1.5 लाख प्लस चले गए। आप ऐसा करो, लास्ट ईयर की कुछ क्लिप्स हैं वो देखो जा करके, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अभी मैं उत्तरकाशी जा रहा था तो मैंने रास्ता मिस कर दिया, और मैं आगे आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए, गूगल मैप पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। और मोदी जी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज, उसकी अपडेट के लिए मैंने सोचा एक बार यहाँ अंदर ही बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पे टीवी चल रहा है। अब ये क्या रिपोर्ट आती है इधर से, तो ये आगे का जो समाचार है मैं आपको आगे देता हूँ। मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, 10 मिनट बाद 8 बजे ये अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद में मैं अपने आगे की जर्नी पूरी करूँगा। गाइस, तो मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, लॉकडाउन तो नहीं है, खैर अच्छी न्यूज़ है, बट उन्होंने बोला है कि सेफ्टी रखें और ये सब कुछ, कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो अपने देशवासियों से मदद मांगिए। तो मेरा भी पूरा दायित्व है कि मैं उसको बात जो उन्होंने बोली है उससे निभाऊं। देखो गाइस, वो रहे वाइट वाले माउंटेन्स, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ से अभी आया हूँ, और अब वापस से नीचे जा रहा हूँ, और देखो क्या गजब व्यू है यार। दोस्तों, कोरोना के खतरे से अनजान मैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में घूम कर के वापस जयपुर की तरफ बढ़ रहा था। 21 मार्च 2020 शाम 7 बजे, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। कोरोना के डर से लोग लॉकडाउन के डर से अभी यहाँ से निकल रहे हैं सब। मैं भी रास्ते में हूँ, मैंने आकर थोड़ा सा रास्ता क्लियर करा है। अब मैं यहाँ से अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ कि वो गाड़ी आए और मैं निकलूँ। आप देख सकते हो कैसी हालत हो चुकी है यहाँ पे, डर के कारण लोग अपने घरों में लौट रहे हैं वापस। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा दिल्ली से सटी सीमा में हम हैं इस टाइम पे, और आप देख सकते हो पूरा का पूरा माहौल यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी आपको दो क्लिप्स दिखाई, एक में मैं उत्तराखंड में था और दूसरे में मैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे था। जब मैं उत्तराखंड में था तो वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा खुशी का मोमेंट था, और सेकंड जो था जिसमें मैंने मास्क वेयर कर रखा था दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे, उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ सकते हो कि डर भी गया था, घबरा भी गया था, मतलब सारे मूवमेंट्स एक साथ आ चुके थे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुका था राजस्थान में कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो और मैं बॉर्डर से मतलब बहुत दूर था, ये समझ सकते हो आप, राजस्थान बॉर्डर से मेरे को भगाते हुए गाड़ी निकलनी थी। जब आपने वो वीडियो क्लिप देखी तो उस टाइम पे लगभग शाम के 8-8:30 बज चुके थे, और मुझे राजस्थान पहुंचना था हर हालत में। तो दिल्ली से मेरे कुछ मित्र भी आ रहे थे, तो गाजियाबाद से मैंने उनको पिक किया था, और वहाँ से मेरे को उनको लेकर के जयपुर में पहुँचना था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वो मेरे साथ में थे, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, मैं उत्तराखंड से आया था तो मेरा गला ख़राब था, तो वो भी घबरा गए थे कि यार कहीं कोविड तो नहीं है। और मैं गाइस घर पर जब आया था ना, मैंने घर पर सबसे पहले कॉल करके ये बोला था कि मैं घर पर आ रहा हूँ, आप सब वहाँ से हट जाओ और कोई भी मेरे आसपास मत आना। और मैं सीधे आया था और अपने रूम में गया था, मैंने अपना सारा सामान गाड़ी में छोड़ दिया था, और सबसे पहले आकर मैं बाथरूम में जाकर के पूरा वॉश किया था मैंने गर्म पानी से, सारे जो भी कपड़े मैंने पहने हुए थे, जो भी
मेरे गैजेट्स थे उनको बाहर रख दिया था, उनको सैनिटाइज कर दिया था। और दोस्तों घर पर आने के बाद में मैंने सबसे पहले जो किया वो तो आपको पता चल ही गया। इसके अलावा मैंने 14 दिन तक मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। 14 दिन तक मैं अपने कमरे में कैद था और मेरा गला ख़राब था। मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार कोविड ना हो गया हो। मैं कोई वीडियो शूट नहीं करता था, कुछ भी नहीं करा था मैंने, मतलब कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं किया था, वरना आप लोग देखते कि मैं किस तरीके से रह रहा था 14 दिन तक। अब मेरे पास सिर्फ मोबाइल था और मोबाइल में भी डेटा लिमिट थी क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरा कट चुका था उस टाइम पे, क्योंकि मैं यहाँ पर था ही नहीं। तो इतना कुछ चल रहा था लाइफ में और फिर भी मैंने वो 14 दिन किस तरीके से गुजारे, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए गुजारे दोस्तों, सिर्फ फैमिली के लिए। और आप भी मेरी फैमिली हो, तो दोस्तों आप लोग भी अपने जो घर वाले हैं, दोस्त हैं, इन सबको बताओ, ये वीडियो शेयर करो और उन्हें ये बोलो कि भाई कोरोना से बचना है तो हम सबको सतर्कता रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सतर्क रहेंगे तभी कोरोना से जीत सकेंगे। तो गाइस मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगा कि जैसे हम पहले अवेयर थे वैसे ही अवेयर हो जाएंगे तो ये कोरोना से लड़ने में हमें बहुत बड़ी पावर मिल जाएगी। मास्क लगाओ, मास्क वियर करो, पूरा मास्क वियर करो, नाक आपकी कवर होने चाहिए उसमें, ठीक है। तीसरा, अपने साथ में सैनिटाइजर रखो जैसे पहले रखते थे। और चौथा, अगर आप कहीं बाहर जा कर के घर पे वापस आ रहे हो तो नहाना ज़रूरी है भैया, नहीं समझ लो नहाना ज़रूरी है। जिस तरीके से पहले रहते थे वैसे कि वैसे रहो और कपड़े धो करके बाहर सुखाओ, ये ज़रूरी हो चुका है। ये करेंगे तभी ही हम कोरोना से जीत सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई कमेंट में लिख देगा कि कोविड नहीं कोविड 19 है। तो गाइस मैंने सही कर दिया है क्योंकि मैं भी वीडियो एडिट कर रहा था तभी मेरे को पता चला कि मैंने 19 लगाना भूल गया था, तो कोविड 19 कर दिया है मैंने भी उसे। तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के लिए आज वो सरप्राइज खोल दूंगा, बट गाइस मुझे लगा कि सरप्राइज से ज़्यादा बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो इस कोरोना के लिए सतर्क करना आप लोगों को बनता है। मेरा मतलब ये दायित्व है कि मैं आप लोगों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आपको कुछ आकर बातें बताऊं। तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के लिए आज वो सरप्राइज खोल दूंगा, बट गाइस मुझे लगा कि सरप्राइज से ज़्यादा बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है वो इस कोरोना के लिए सतर्क करना आप लोगों को बनता है। मेरा मतलब ये दायित्व है कि मैं आप लोगों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आपको कुछ आकर बातें बताऊं। वो सरप्राइज जो है आगे आने वाले कुछ वीडियो में दिखा देंगे आपको। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना को हराना है, कोरोना से जीतना है, मास्क पहन के बाहर जाना है, घर पे आके हाथों को सैनिटाइज करना है, ठीक है। बाय बाय।